याद है ना, ये सब बचपन में करा करते थे। और यार सच्ची में यार, विलेज गांव की जो लाइफ स्टाइल होती है ना, जबरदस्त होती है, मजा आ जाता है। तो स्वागत करते हैं फिर से नए ब्लॉग में। और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। और आपको बता दें कि आज हम जा रहे हैं ना अपने गांव से थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर दूर जाएंगे, और वहां जंगल में, वहां पे आलू भूनेंगे कंडे से और सूखी लकड़ी से। ये सारी चीज़ें भूनेंगे और ये आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में कि कैसा भूना जाता है, कैसा सब कुछ होता है। और ज़बरदस्त आएगा, मज़ा आ जाएगा। और हमारे साथ ये आज छोटे छोटे बच्चे हैं, आज ये छोटे छोटे बच्चे नहीं, ये मुबस्सिर है और ये बता दे अपना नाम, अब्दुल रहमान वो आलम, और बाकी ये अतीक है। तो अभी हम चल रहे हैं और फिर वहाँ सारी चीज़ें दिखाएंगे, और ये सारा प्रोसेस हम दिखाएंगे आपको इस ब्लॉग में, और बताएंगे गांव की लाइफस्टाइल और विलेज लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें कैसी होती है, कैसे यहाँ के लोग आलू वगैरह अंडा वगैरह कैसे भूनते हैं। पहले के लोग भूनते थे, तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। आप लोग भी बचपन में भूने होंगे ऐसा ही ये सारी चीज़ें। तो आज ये ब्लॉग जब देखेंगे तो यादगार, यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। अभी हमको सारा सामान कलेक्ट करना है, फिर जब सामान कलेक्ट हो जाएगा हमारे पास, तब सारा चीज़ हम दिखाएंगे क्या क्या है हमारे पास। बताओ भाई, कुछ कहना चाहोगे? गाइस, हम सब निकल चुके हैं घर से बाहर। 1 किलोमीटर दूर अभी जाना है हमको, वहाँ पर अभी लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा इधर उधर। लकड़ी तो ना चुरानी पड़ी? लकड़ी नहीं चुराना पड़ता, इसलिए वहाँ पर हमारा खेत है ना, तो वहीं से हम लकड़ी लाएंगे। तो तुम्हारे अब्बा? आओ आओ, हम चल के बता देंगे ये कि आप ही की इतने से लकड़ी लेके आए, ये बोला था ले आओ। तब क्या, अभी तक हमको 2 कंडा मिला है, आगे अभी देखते हैं क्या मिलता है। अभी चारों तरफ देख रहे हैं कि धन मिल रहा है, हम घर से कंडा लाए नहीं है, इसलिए ये पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है कंडा, आप सब देख सकते हैं, गीला है गीला है। कुछ बोलना चाहते हैं? तुम बोलो, हम अभी बोलेंगे बाद में। अब आलम से आपको हम मिलाएंगे, कुछ लफ्ज बोलिए आप भी, बोलते ना रे। आज हम जा रहे हैं इस आलू भूजने, हमें पता नहीं है कि आलू कैसा भूजा जाता है, लेकिन हमारे भाई लोग अभी बताएंगे कि आलू कैसा भूजा जाता है। ये हम अपने भाई से सीखेंगे। अभी वो अपने स्थान पे पहुंच ही रहे हैं, कुछ देर बाद और कदम बाकी है, कुछ और कदम बाकी है। बता दें, अब हम सूखा गोबर ढूंढ लेना, फिर उसके बाद सारे चीज़ आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ पे जानवर वगैरह अक्सर आते रहते हैं ना, तो यहाँ मिल जाएगा। तो ढूंढ लेते हैं, फिर सारे चीज़ें जो प्रोसेस होगा सब कुछ समझाएंगे, और बने रहे ब्लॉग में। और ये देखो इधर, यहाँ पे, हाँ, ले लो ये ले, ये भी बे। अरे ये पूरा ले लो यार, पूरा ले लो कोई जी ना, ये भी। इतने में क्या होगा, और लो ये भी। पनिया कहाँ मिले? पनिया वही मिलेगा। तो लकड़िया, लकड़ी यार अभी इधर से कहीं तोड़ते हैं, चलो लकड़ी आगे चलते हैं। मिल गया है अभी हमारा बाकी लकड़ी, बता दे। ये देखिए, इतना सारा हम लोग कलेक्ट कर लिए हैं, और अभी चलते हैं और दिखते हैं। भाई मेहनत इसमें बहुत लगती है, कोई गीला उठा नहीं था, उठा मिलता। ठीक है, सो गाइस, देखिए गाइस, बता दें, हर जगह अपना अपना बोलते हैं भाषा। यहाँ पे हम लोग के यूपी में कंडा बोलते हैं, और जानते हैं इंडिया के अंदर हर 20-25 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाता है, लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है बोली। तो हम लोग के इधर कंडा बोलते हैं, आप लोग के उधर क्या बोलते हैं, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। जो भी भाई यहाँ से देख रहा है वीडियो, अगर यूपी बिहार मुंबई ये सब चीजें जहाँ से, चलिए देखिए गाइस, यहाँ पे हम लोग आए हैं, ये है हमारा लोकेशन। सो गाइस, जो आप ये गोबर देख रहे हैं, बहुत मेहनत लगा है ढूंढने में हमें, कोई गीला मिलता था, कोई सूखा मिलता था। आप सब देख सकते हैं, ये टहनी है, आपको उधर बता सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर फसल गाय गोरु लीलगा और कौआ गेहूं चुन रहे हैं, तो ये लगाया जाता है कि दूर से अगर कोई भी जानवर देखेगा तो आदमी लगेगा, इसलिए यहाँ पर लीलगा थोड़ा चौंकते हैं, तो इसलिए हम सब ये बनाकर लगाते हैं। तो गाइस, कमेंट में आप बताना ही
बताना कि ये क्या होता है आपके उधर, क्या कहा जाता है आपको बता दें। ये देख लीजिए, हम लोग आग जला रहे हैं और पकड़ ही नहीं रहा, सब भीगा हुआ। देख लीजिए ये कंडा है, हम लोग सूखा गोबर, ये आलू आज हम लोग भूनेंगे आलू, और ये सारा लकड़ी होगा। कंडवा रखते हैं यार, कंडवा थोड़े बड़ी बड़ी है, आपको दिखाई बता देना। ये सब बचपन में करा करते थे, और यार सच्ची में यार विलेज गांव की जो लाइफ स्टाइल होती है ना, ज़बरदस्त होती है, मज़ा आ जाता है। और पिछले कुछ दिन से हम ये सारी चीज़ें सोच रहे थे, हम तो रहते हैं लखनऊ में, तो ये सारा चीज़ करने का कभी मौका ही नहीं मिला, लेकिन जब से आए ना तो ये सब यानी अच्छा लगता है यार अंदर से, सच्ची में अट्रैक्ट करता है ये सारा चीज़ एक्टिविटी। क्योंकि बाहर रहो, नौकरी करो, नौकरी से फिर घर, नौकरी से घर, यही सारी चीज़ें, और जब यहाँ रहो दोस्त यार के बीच में ना, तो ये अच्छा लगता है यार, ये सारी चीज़ें करो। ये सब चीज़ हम अक्सर लोग जो पहले गए थे, इसका टाइम नहीं था, इतना गाँव में था नहीं, तो लोग ऐसे भूना करते थे चूल्हे वगैरह पे, और अंडा वगैरह उबो जैसे आलू वगैरह भूनते थे, तो पानी वगैरह से नहीं, जब इससे उबाल इससे भूनते हैं ना आलू सूखे कंडे से और लकड़ी वगैरह से, तो उसमें टेस्ट आता है थोड़ा मिट्टी का, और उसका यानी महक आता है। ये सारी ये सब है, और अभी सब चीज़ हम आपको जैसा होगा सब कुछ दिखाएंगे हम आपको, इसमें बहुत ज़बरदस्त बनेगा सच्ची में, मज़ा आ जाएगा। चटनी है, आलू है, प्याज है, सब कुछ लाए हैं। तो आग जल चुका है हम लोग का, और अभी जैसे और थोड़ा जल जाएगा ना, तो उसके बाद रखेंगे आलू। अब्दुल रहमान भाई आग जलाते हुए हौंक रहे भट्टी क्या कहना चाहेंगे अब्दुल रहमान भाई, क्या कहना चाहेंगे अभी हो जाएगा तो अभी सब चीज दिखाते, अभी ये इसको होने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा पकने में एकदम बेहतरीन, तो जैसे हो जाएगा फिर दिखाते हैं आप। तो गाइस बता दें, हम लोग ये जो आलू दिख रहा है ना, ये अभी इसी में डाल के डालेंगे और भूनेंगे, और पूरा चीज दिखाएंगे कैसे भूना जाता है। ये एकदम गांव का देहाती यानी कि लाइफस्टाइल होता है ना, वैसे ही है ये सारा चीज़, और इसी को भूनते हैं। और इसमें बताएं एक बात बताएं, ये जो मिट्टी है लकड़ी वकड़ी का, इसमें जो होता है स्मेल बहुत अच्छी आती है, यानी महक अच्छा आता है आलू में, और काफ़ी टेस्टी बनता है यार। तो अक्सर गाँव में देखते होंगे जो लोग भाई किया होगा गाँव में ये सब चीज़ एक्टिविटी, वो जानता होगा कैसे क्या होता है, लेकिन शहर वाले जो अक्सर शहर में जिनकी ज़िंदगी कट गई उनको पता नहीं है और ये सब चीज़ें। और ये बताएं जंगल उंगल में ये सारी चीज़ें अक्सर होती रहती, पानी वगैरह से उबालते नहीं है, ये सब महक बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन बनता है भाई। एक बार अगर कोई भाई आए और ट्राई करके देखे इतना ज़बरदस्त लगता है। अबे जहर नहीं हुआ है, अबे नहीं हुआ है, कुछ कुछ हुआ है जो छोटा छोटा था। जो हो ही गया है उसका निकाल लिया जाए, बता दें अभी थोड़ा कच्चा रह गया, अभी ये बड़े बड़े जो है ना वो कच्चे रह गए हैं अभी, तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा, और अभी छोटा छोटा जो था वो हो गया है, लगभग हो गया अभी कच्चा है। ये देखिए चल गया। तो गाइस बता दें थोड़ा आलू हो गया है, इतना सारा लाए थे आधा किलो एक किलो के आसपास, और थोड़ा बहुत इसी में जल गया है, पहली बार पकाए पता ही नहीं चला, खूब तेज आग भड़का दिए थे, और हो गया है थोड़ा बहुत, और आधा पका है, आधा अभी रह गया है थोड़ा सा, तो अभी निकाल लेंगे फिर आपको दिखाते हैं। इसमें भरो भाई, ये हम लोग ने इतना आलू है, छोटा छोटा था जल्दी हो गया है, और भाई टेस्टी है सच्ची में, डिलीशियस लजीज जो भी कहें सब कुछ है, और इसका महक भी आ रहा है, इसमें खुशबू भी आ रही है। तो गाइस बता दें ये आलू फाइनली हम लोग का हो गया है, ये देख लीजिए एकदम पूरा हो गया है, और बहुत टेस्टी है, और अभी खाते हैं फिर बताते हैं सब चीज़, सबसे पूछते हैं। और ये नमक मिर्चा है,
ये आपका पॉलीथीन में हम लाए थे नमक मिर्चा, इसमें नमक है और मिर्चा है, जो लाल मिर्चा होता उसको पिसवा के लेके आए थे। तो गाइस बता दें, अभी हम लोग चल रहे हैं ना खाने के लिए सब चीज़। और ये देखो इतने बच्चे आ गए गांव से, कह रहे हम लोग को मिलेगा ही नहीं खाने को, हम कहे सबको मिलेगा खाने को। और आओ आओ लड़को आओ, सब लोग आओ, ये देखो। और अभी आपको दिखाते हैं, ये देखो ये देखिए, ये हो गया पूरी तरीके से आलू, ये सब है। बावर्ची लोग बैठे, इसी का चोखा भी बन जाता है यार, इसी का चोखा भी बनता है, बाटी चोखा, ऐसे है भून के। ये देख लो इतने सारे बच्चे, आओ भैया आओ खा लो, सब टेस्ट करो भैया, एक एक ठो लो खाओ, देख रहे खाइए, खा ले रे लड़के ले खा लो। ऐसे हम लोग छील के इसको आलू और खाएंगे। भाई लेकिन मजा है यार, टेस्ट आता है आलू में एक नंबर के। तो बताओ कैसे लगा सबका, मजा आवा कि नहीं, ये बताओ पहली बार खाएं इस तरह की नहीं जंगल में। सब लड़के कह रहे पहली बार जंगल में इस तरह बना के खाए भूने आलू। हाय टेस्ट आ रहा है भाई, आप लोग भी ट्राई करें जंगल में जाके, मजा आता, कुछ अलग फीलिंग आता, नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आती है, यूनिक लगता है ये सारी चीजें। हो गया पूरी तरीके से हो गया, आधा घंटा मुश्किल से लगा है बनाने में। चटनी चटनी वगैरह होता तो और टेस्टी आता। मजा आ गया, मजा अपनी जिंदगी में भाई, पहली बार जंगल में बना के इस तरह खाएं। और अगर जो ब्लॉग है, जो चिकन वाला ब्लॉग था जो पकाए थे सूखे गोबर में, वो वाला ब्लॉग अगर नहीं देखो तो वो भी जाके देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग बना है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, सारा प्रोसेस बता दिए उसमें हम। तो गाइस बता दें, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, मज़ा आता है भाई सच्ची में। मिलते हैं कभी नेक्स्ट ब्लॉग में, एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, बहुत जल्दी आएगा, बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग आएगा। और वो ब्लॉग ये होगा कि जो मिट्टी है उसमें हम अंडा पकाएंगे, गोबर सूखा गोबर रहेगा, लकड़ी रहेगा, उसी में हम पकाएंगे, और चिकनी मिट्टी रहेगी और अंडा पकाएंगे, देसी विलेज लाइफ स्टाइल वाला ब्लॉग है। तो देखिएगा वो भी ब्लॉग, बहुत ज़बरदस्त आएगा, आने वाला आएगा बहुत जल्दी ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।